लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। इस निःशुल्क संस्थान में आप भी तन मन धन से आकर सहयोग कर सकते हैं, जिनसे सभी छात्रों को फायदा मिल सके। आइए हम डिस्काउंट के सीरीज को बढ़ाते हुए चौथे पार्ट में हम देखते हैं कुछ सवालों को। पहला सवाल है, एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया है, यदि इसे 51 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा क्या होगा? तो बट्टा का परसेंटेज निकला है, कमीज प्रिंट रेट कितना था? 60 रुपया। मिलने समय कितना में? 51 रुपया में। हमें फायदा बट्टा मतलब छूट, छूट कितना रुपया दे रहा था? 60 में जो है 51 घटा से कितना रुपया छूट हो गया? 9 रुपया। लेकिन बट्टा हमको निकालने के लिए नहीं बोला था, बोला बट्टा का क्या निकालिए? प्रतिशत निकालिए। जब बट्टा का प्रतिशत निकालने के लिए बोला तो जितना रुपया छूट मिला, बट्टा गुना 100 बटा स्टार्टिंग दाम कितना? 60 रुपये। उसको कटाए 5 3 3, कितना रुपया? 15 रुपये। कितना मिनट टाइम लगा? 20 से 25 सेकंड में हम सवाल सॉल्व कर दिए। ठीक है, सवाल नंबर अगला सवाल सीरीज को बढ़ाते हुए दूसरा सवाल देते हैं। बोला 500 रुपया 60% कटौती, हम दुकान गए और वो बोला 50% 40% क्या है? छूट है। उसके बाद है, तथा इसी राशि पर दो क्रमिक कटौती 36% तथा 4% में आंसर है। कहने का मतलब है, दो ग्राहक गया खरीदने के लिए, एक ग्राहक गया तो सामान बोला 500 रुपये प्रिंट है, उसको बोला हम छूट कितना देंगे? 40%। और दूसरा जब कस्टमर गया उसको बोला कि आपको जो छूट देंगे हम दो अलॉट में देंगे 36% और 4%। तो बताना है दोनों ग्राहक में फायदा में कौन रहा, कितना रुपया का दोनों का अंतर रहा। ठीक है, हम क्या करते हैं उसको हम देखते हैं। पहला दो तरीका हम बना सकते हैं, कैसे? पहला ग्राहक जो गया इसको क्या रुपया छूट मिला, दूसरा जो ग्राहक गया इसको कितना रुपया छूट मिला, दोनों का अंतर निकाल देंगे, पता चल जाएगा कि दोनों खरीदारी में कितना अंतर हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका हम बना सकते हैं कि छूट का पास था, अब हमको पहला ग्राहक को अगर छूट दिया तो कितना रुपया पड़ा खरीदने में, और दूसरा कस्टमर गया तो उसको खरीदने में कितना पड़ा, यदि उस दोनों आंसर को भी हम घटा देंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। हम शुरू करते हैं, क्या करेंगे? 500 रुपया है, कितना रुपया अंतर था? 40% कटौती था, उसको मिल कितना रहा था? 60% का दाम ले रहा था, कितना रुपया में मिल रहा था उसको? 54,300। कितना रुपया मिल रहा था पहला कस्टमर का? 300 रुपया। दूसरा जब कस्टमर गया तो उसी को क्या बोला? 500 रुपया। बोला क्या? 36% कटौती। 36% कटौती मतलब कितना प्रतिशत दाम मिलेगा? 64% लेगा। उसके बाद बोला 4% और छूट देगा, 4% मतलब कितना दाम मिलेगा ना, इसको हम कटाते हैं कितना बार में? 5 बार में कटा दिए। इसको गुना करके 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसका संभवतः 307.20 रुपया होगा। कितना होगा? 307.20 होगा। दोनों का अंतर क्या रुपये का अंतर होगा? ये 307 ग्राहक गया खरीदने के लिए 307.20 में, इसका ये गया तो 300 रुपये में, तो अंतर क्या रुपया का हो गया? 7.20। एक तरीका इस ढंग से हम बनाए। दूसरे तरीका से हम कैसे बना सकते हैं? पहला जो कस्टमर गया तो उसको क्या परसेंट बोला छूट देंगे? 40%। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, 40% छूट दिया। जब दूसरा कस्टमर गया तो उसको बोला कि हम 36% भी देंगे और कितना परसेंट देंगे? ऐसा हम करते हैं, क्रमिक बट्टा है। ठीक है, क्रम से दे रहा है, पहले 36% फिर 4%। ऐसा करते हैं आखिर इसको फाइनल छूट कितना मिला ये हम निकालने के लिए इसके पीछे वीडियो में बता रहे कैसे निकालेंगे। 36 + 4 - 36 × 4 / 100 कितना हो गया? 36 × 4 = 40। उसको गुना करेंगे 6 × 4 = 24, बाकी दो कितना हो गया? 40 + 1 कितना? माइनस ना। यहां तक किसी को दिक्कत? अब फासला क्या क्या हुआ उसको देखो। हमको केवल फासला निकालना था, दोनों का अंतर खरीदारी में कितना हुआ। जब पहला कस्टमर गया तो उसको क्या परसेंट छूट बोला? 40। जब दूसरा कस्टमर गया तो इसको कितना दिया? 40 को दिया ही, इसको घटाएंगे कितना होगा? 38.56। यही प्रतिशत ना। पहला कस्टमर गया 40% और दूसरा कस्टमर गया 38.56, 38.56। ये भी हम अंतर कर सकते हैं कैसे? 40% तो इसको मिल रहा था, इसको भी 40% मिल रहा था, लेकिन इसको और छूट दे रहा था कितना परसेंट? 1.4%। ऐसा हम करते यही नहीं, इसको एक्स्ट्रा छूटता, 40% इसको भी था, 40% इसको भी छूटता, वो तो बराबर फसला हो गया, लेकिन इसको तो बेसी फायदा मिल रहा था नहीं। यही तो हम केवल निकाल लेंगे, कितना रुपया दाम था? 500। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा था? 1.4।
4% तो इसको हम करेंगे 500 × 1.44 बटे कितना 110 उड़ा दिए, कितना हो गया 101 कट गया, जो कटने वाला है गुना करेंगे कितना हो गया 720 बटे कितना हो गया 100, तो क्या रुपया आ गया 7 रुपया 20 पैसे। दोनों तरीका आया समझ में, क्या क्या काम किए, एक हम कर दिए पहला टाइप में, हम कर दिए जब छूट दे रहा था आखिर पहला कस्टमर को कितना में सामान दे रहा था, दूसरे को कितना दे रहा था, अंतर हम कर दिए, पता चला कि इसको छूट अधिक दे रहा है, पता चल गया। दूसरा तरीका हम किए कि ठीक है इसको क्या रुपया छूट दे रहा है और इसको क्या रुपया छूट दे रहा है, पहला का छूट दे रहा था 40%, दूसरा का कितना दे रहा था 40 तो दे रहा था 1.4 था और अधिक दे रहा था, यही ना अंतर था एक्स्ट्रा दे रहा था, इसका हम दोनों निकाल लिया क्या रुपया आ गया 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, इसी ढंग का सवाल हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन है, एक कमीज का सूची मूल्य पर 31% बट्टा मतलब छूट देने के बाद भी एक दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ बता, 15% लाभ बता, यदि इस सूची का मूल्य 125 रुपया हो तो कमीज का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। मान ले जाए क्रय मूल्य कोई चीज का 100% मतलब 100 है। ठीक है, अब क्या बोला कि इस सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य कितना रुपया दाम था 125 रुपये था। सवाल स्टार्ट करो, बोला कि क्या एक कमीज का सूची मूल्य पर कितना प्रतिशत बट्टा दे रहा है 31%, जब 31% छूट दे रहा है 125 रुपये दाम है, इसका मतलब उसे दाम ले रहा है कितना प्रतिशत 69%, कितना प्रतिशत 69%, 125 रुपये प्रिंट में 69% ले रहा। अब क्या बोला, अब बोला उसके बाद भी दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होता 15%, इसका मतलब है जो दाम है कितना प्रतिशत का दाम है 115% का दाम है, यही ना है, इतने सा काम है बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद क्या निकालना था, इस कमीज का मूल्य क्या होगा, इसका मतलब 100% का मान निकालना, इसका मतलब 115% का जब मान इतना है केवल 100% 100% का मान निकालेंगे मेरा आंसर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, देखो काट छाट 125 × 69 / 100 कितना 115 / कितना साफ हो गया, आगे कटाओ 23 × 69 / 23 = 115 आगे कटाओ 25, इसका मतलब 25 किया कितना 75, 25 किया 75, इसका मतलब उस सामान कितना में दे रहा था 75 रुपया में, इतने सारा काम। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 4, चार नंबर सवाल है, एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर मतलब छूट पर खरीद कर 1955 रुपया में बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है, बट्टा कितना है, कितना बट्टा है तो हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, मान लिए हम सामान का दाम कितना है 100 रुपया, बोला 15% बट्टा मतलब छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना दाम ले रहा है 85% दाम ले रहा है। अब क्या बोला, यदि 1955 रुपया हम बेचते हैं तो 15% क्या होता है लाभ होता है, तो कैसे निकालता है, विक्रय मूल्य गुना 100 / 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया कि नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ो, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था, जो जो कट रहा था उसको काटो, देखो क्या क्या कट रहा है 17 × 50 = 20 / 100 और कटेगा, इस 17 से ऊपर में काटो 17 × 17 = 2 / 5 = 25 17 × 17 = 85 दोनों साफ हो गया, और कटेगा एक्स का मान कितना हो गया 2000 हो गया, देखो कहीं मिस किया, एक्स का मान कितना हो गया 2000, एक्स का मान 2000। अब देखो क्या है, एक्स का मतलब हो गया 100% मतलब कोई चीज का खरीदारी का, इसका दाम कितना हो गया 2000, तो 1% का दाम कितना हो गया 1% का दाम 20, हमको निकालना था बट्टा मतलब छूट कितना है, कितना प्रतिशत छूट था 15%, जब 1% का मान 20 तो 15% का मान कितना 20 × 15 कितना रुपया 300 रुपया, भारी है, यही काम करना है। सवाल नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कम से कम 25 बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में चाहे रेलवे हो बैंक हो एसएससी, क्या क्या है 153 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित करना चाहिए कि 15% छूट देने के बाद भी क्या हो 20% लाभ हो, क्या क्या इसमें स्टार्टिंग हो रहा था, स्टार्टिंग में कम हो रहा था 15% छूट दे रहा था, फाइनल कितना छूट चाहिए
20% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए इसके पीछे। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है को कितना रुपए हमें बेचा जाए, इसका हम ट्रिक बताए थे। अगर बेचने का बात हो, अगर खरीदने का नाम दे दिया और 2% हम इसका बताए थे कि रुपया गुना टारगेट बटे स्टार्टिंग जो था वो, तो क्या क्या करेंगे उसको देखो। 153 रुपया था गुना टारगेट कितना था आपको, 20% लाभ होना चाहिए, इसका मतलब कितना 120 बटे 15% क्या होना चाहिए, बट्टा छूट दे रहा है तो नीचे कितना लिखेंगे 85, 17 बजे 85, 17 गुना 9 कितना 53 से 17 बजे 85, 5 से कट गया कितना हो गया 24 को गुना किया कितना हो गया 216। दूसरे तरीका भी हम बना सकते हैं, दूसरे तरीका भी बनाएंगे। सबसे सिंपल वे यही था, क्या क्या कि हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या फंडा याद रखे, जितना रुपया है गुना टारगेट फाइनल क्या स्टेप है बटे स्टार्टिंग जो दिया हुआ है वो करेंगे। अगला सवाल आया, यदि खरीदी गई चीजों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक दामों में 25% बट्टा मतलब छूट दिया जाए तो कुल खरीद का मूल्य कितना प्रतिशत बदल जाएगा। इस ढंग का क्वेश्चन हम लोग प्रतिशत में भी पढ़े थे, देखो क्या क्या घटना घट रहा था। इसमें हम बता रहे थे 2% है, क्या परसेंटेज 2% है, 2% वाला मेरा सूत्र बताए थे याद करो, ए प्लस बी बटे ए बी बटे क्या 100 सूत्र याद है। इसमें और बताया था यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे, कमी हो रहा है तो माइनस लेंगे, बस कहानी है वही करेंगे। 20% बढ़ा दी जाए इसका मतलब पहला क्या लेंगे प्लस, उसके बाद बोला प्रत्येक दामों में 25% बट्टा मतलब छूट दिया जाता है इसका मतलब 25% क्या माइनस करेंगे, बोला फाइनल कितना चेंजिंग होगा तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ना था ठीक है। तो 20 प्लस माइनस 25 प्लस 20 गुना माइनस 25 बटा कितना 100, 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया कितना हो गया माइनस 5 है, ये भी कितना माइनस 5, इसका मतलब माइनस 10% क्या हो गया कमी हो गया, यही ऑप्शन मिलेगा 10% वृद्धि 10% कमी 20% वृद्धि 20% कमी। तो क्या क्या काउंट किया इस ढंग में, 2% रहेगा क्या क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट गुना सेकंड बटा 100 मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा तरीका भी हम बताए थे कैसे, पहला कितना प्रतिशत वृद्धि था 10%, तो कितना लिखेंगे 20% था 120 गुना फर्स्ट वाला कितना था 85, ये हम बोले थे 100 और 100 इसमें जो कटने वाला है कटा देंगे 6 बार में 5 बार में, कितना बार में जो कट रहा है कट जाएगा, उसके बाद इसको घटा देंगे मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका हम बताए। सवाल नंबर 7, 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल है एक टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपया है, इस मूल्य पर 20% बट्टा देकर मूल्य में 20% की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है, टीवी सेट का क्या निकालना है मूल्य निकालना है। देखो क्या क्या करते हैं, 3000 रुपया दाम था बोला 20% बट्टा देकर मतलब के छूट दिया, इसका मतलब क्या प्रतिशत दाम लगा 80, उसके बाद बोला 20% फिर वृद्धि किया गया, इसका मतलब कितना 120 बटा 100, इसको कटाएंगे चटाएंगे आंसर क्या आ जाएगा हो जाएगा ठीक है। सवाल नंबर 8 क्वेश्चन है, एक ग्राहक अपने क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देता है 30%, बोला डीलर ने 20% और 10% इतने भी छूट दिया, बोला कौन फायदा हुआ पहले वाला कि लास्ट वाला, तो पहला जो छूट दिया था कितना प्रतिशत छूट दिया था 30%, दूसरा जो क्रमिक पट्टा दिया था कितना दिया 20 और कितना प्रतिशत 12%, इसको फाइनल हम कैसे करेंगे 20 जोड़ 12 माइनस 20 गुना 12 बटा 100 कट गया, 20 और 12 कितना 32 माइनस इसको भाग देंगे कितना हो गया 2.4, ये कितना हो गया घटा 29.6 यहाँ तक ठीक है, 20 12 32 20 गुना 12 ठीक है। अब बताना है कौन वाला फायदा मेरा कस्टमर, कौन में फायदा अधिक हुआ कस्टमर को, इसमें 30% छूट मिल रहा था इसमें 29.6 मिल रहा था, कौन छूट मांग रहा फर्स्ट वाला जो फाइनल दे रहा था कौन वाला छूट हुआ ये वाला, यही बताना था डीलर कस्टमर को कौन फायदा हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे देखो सवाल नंबर 9 नंबर है, एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है और 120 रुपये अंकित करता है, इसका मतलब क्या क्या है, 80 रुपया में खरीदा था और प्रिंट कितना में किया था 120 रुपया, तो छूट कितना हुआ कितना कमाया 80 रुपया खरीद मूल्य था 120 रुपया किया तो कितना हो गया फायदा कितना लिया 40, अब फायदा का परसेंटेज कैसे निकला
फायदा गुना 100 बटे खरीदा था कितना में, इसको कटा कितना प्रतिशत, 50%। आगे बोला उस पर वो 40% बट्टा देता है, इसका मतलब 40% बट्टा मतलब क्या, प्लस के माइनस, माइनस में लिखेंगे। अब बोला कि फाइनल बताइए लाभ हुआ कि हानि, जब 2% रहे जब अटैच करके उसको बोले बनाइए, हम क्या बोलेंगे सूत्र, ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। क्या करेंगे, 50 प्लस माइनस 40 प्लस 50 गुना माइनस 40 बटा 100, जो कट रहा है उसको काटो, देखो 50 में 40 घट गया कितना 10, और ये कितना हो गया माइनस 20, तो क्या हो गया माइनस 10, इसका मतलब 10% क्या हो गया हानि, 10% हानि। क्या क्या किया उसको देखो, 80 रुपये में खरीदा 120 रुपये में बेचा, तो कितना परसेंटेज हुआ 50%। फिर दूसरा बोला क्या प्रतिशत, 40% बट्टा दिया, 2% मिल गया, एगो फाइनल स्टेज करना था वो हम कर दिए। ठीक है, इस सीरीज का अंतिम सवाल बोला किसी वस्तु का 30% बढ़ाकर इस पर 10% और 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है। थोड़ा सा सवाल समझो, एक वस्तु है क्या प्रतिशत बढ़ाया, 30% बढ़ाया, पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, उसके बाद बोला 10% और 10% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है, जब 2% बट्टा में दिया हो उसको अटैच हम करने के लिए सिखाए हैं, कैसे, जब 10% और 10% को कंबाइन करना है कैसे अटैच करते हैं, 10 जोड़ 10 माइनस 10 गुना 10 बटा, यही रहता है अटैच। यहाँ बट्टा का अटैच अलग होता है और दो जब सवाल में परसेंटेज है इसको अटैच करना, दोनों में फर्क है। ठीक है, इसको कटवा जो कट रहा कितना हो गया 20 में घट गया क्या प्रतिशत, अभी बट्टा मतलब छूट दे रहा था, इसको प्लस लेंगे माइनस, माइनस लेंगे, अब कम हो गया, देखो 2% देखो 30%, देखो कितना प्रतिशत 19%। अब बोला कि फाइनल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा चेक करने के लिए, जब 2% रहे दोनों को अटैच करने बोले, दोनों को अटैच करना मतलब बट्टा अटैच करना, उसमें बीच में माइनस हो जाता और ऐसे अटैच करना बीच में क्या आ जाता प्लस होता, दोनों को करो 30 था 30 लिखे प्लस माइनस 19 प्लस 30 गुना माइनस 19 बटा कितना 100, जो कट रहा है 30 में 19 घट गया कितना 11, माइनस 19 दिया 57, 10 से भाग दिया कितना हो गया 5.7, इसको 11 में घटाएंगे कितना हो गया 5.3%, प्लस है तो वृद्धि हुआ, कमी हुआ तो समझ में आया सवाल में क्या कहता, कहानी क्या कहता, 30% बढ़ाया प्लस ले लिया, अब 2 का क्रमिक बट्टा और दे रहा था, दोनों को अटैच करके पहले 1 को बट्टा किए, फिर अब 2 का परसेंटेज वाला बट्टा हुआ, अब बोलता कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जब 2 का एगो चीज सामान बढ़ रहा है और खरीदारी में कमी हो रहा है तो उसमें ई वाला सूत्र लगा क्या, दोनों को जोड़ प्लस दोनों को गुणा बटा 100, और 2 को बट्टा यदि दे दे दोनों को कंबाइन करना है तो बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बट्टा के हम अंतिम पार्ट में जो छोटा बड़ा क्वेश्चन है उससे हम मुलाकात कराएंगे, बस ध्यान यही रखना है कि ठीक है वृक्ष भी क्या होता है, वृक्ष कोई लगाता है फल कोई खाता है कि नहीं खाता है, तो सेम कहानी वही है, नदी क्या अपने से पानी पीता है दूसरे को पिलाता है ना, तो सेम कंडीशन यही है। अगर किसी आदमी को इस वीडियो से फायदा नहीं हो रहा है लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से दूसरे को फायदा यदि हो रहा है तो वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे आग्रह है तो आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें जिससे विद्यार्थी को बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे बाय डिस्काउंट के अंतिम।